बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदेद जनाब, और आपको बहुत 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 यौमे आजादी मुबारक हो। आज पाकिस्तान को बने हुए तकरीबन 65 साल, और ये 65 साल जो है जिस तरह की जद्दोजहद, जिस तरह की स्ट्रगल में गुजरे वो हम सब जानते हैं, लेकिन हमारे दिल जिस जोश से भरे हुए हैं, जिस प्यार से आज भी भरे हुए हैं अपनी वतन के लिए, अपनी धरती के लिए, अपनी इन लोगों के लिए जो कि इसमें बसते हैं, वो यकीनी तौर पर दीदनी है। और अल्लाह करे कि जिस खुलूस के साथ हम जश्न आजादी मनाते हैं, जितनी जोश जज्बे के साथ मनाते हैं, इतने जोश जज्बे के साथ हम इस मुल्क के लिए काम भी करें और वो सब काम करें जो कि हमें करना जरूरी है। आज हम आपके लिए स्पेशल ट्रांसमिशन लेकर आए हैं और इस ट्रांसमिशन में आपकी मुलाकात जो है मेहमानों से कराऊंगी। मैंने जो लाइनअप किया और मैं जब सोच रही थी जश्न आजादी को और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजों को, तो मेरे जहन में आ रहा था कि हमारी वजह से कहते हैं ना, इस मुल्क ना मेरे बच्चों संभाल के लाए हैं हम तूफान से कश्ती निकाल के। सो बड़ों ने जो करना था वो तो उन्होंने किया, लेकिन अब बहुत ज्यादा उम्मीदें जो हैं वो हमें पाकिस्तान की यूथ से हैं, उस यूथ के साथ जिसमें बहुत पोटेंशियल है, जिसमें बहुत खूबियां हैं, जिसमें बहुत सलाहियतें हैं। हम उन पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं और उन पर इनसार करते हैं, और उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़े काबिल हैं, जो बड़े जहीन हैं, बल्कि ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो बड़े काबिल और जहीन हैं, इसलिए कि अभी उन्हें हमारे मुआशरे की करप्शन ने करप्ट नहीं किया, अभी उन्हें हमारे अंदर फैली हुई जो बहुत सारी बददियानती है वो उनके अंदर रासिख नहीं हुई, अभी उनके अंदर वो जो जोश और बलवला है वो ठंडा नहीं पड़ा, अभी बहुत सारी चीजों को उन्होंने जिंदगी का हिस्सा कहकर समझकर कबूल नहीं कर लिया। सो ये जो उनके अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी है और ये जो एक ताकत रखी है इन तमाम चीजों की वजह से, वो हम बहुत ज्यादा पुरउम्मीद है मुझसे कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है बहुत अच्छा होगा। सो आज जब मैं आपके लिए लाइनअप कर रही थी गेस्ट, तो मैंने उसमें उन्हीं बच्चों पर फोकस किया जिन पर हमें बहुत फख्र है और जिनसे हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं। पहले मैं आपको उनसे तारुफ कराऊंगी, फिर थोड़ी सी बातचीत जो है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। आज मैं आपको मिलवाऊंगी अली मोइन नवाजिश से। आप हमारे इस नौजवान से बहुत दफा मिल चुके हैं, इसलिए कि पाकिस्तान का एक ऐसा होनहार सपूत है जिसने हमें बहुत फख्र और जिसपे हमें बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना मान है, और बहुत सारी उम्मीदें भी हैं। यूथ एम्बेसडर तो ये हैं ही, इन्होंने अपना एक स्कूल जो है उसकी भी बुनियाद रखी है, अमन के नाम से कॉलम लिखते हैं, और क्या सोच, और एकदम दिल को टच करता है कॉलम में जो कुछ भी इन्होंने लिखा होता है, जिस भी टॉपिक के ऊपर लिखा होता है बड़ा हार्ट टचिंग होता है। और इसके साथ साथ जो क्रेडिट है इनको वो अभी तक सबसे ज्यादा वो ये है कि इन्होंने ए लेवल में 2008 में 22 A's लेकर इंटरनेशनल रिकॉर्ड जो है ये बनाया था। और इसके साथ मेरे पास जो बच्चा है वो भी इसी तरह का एक जहीन और काबिल, इब्राहिम शाहिद की तरफ पहले मैं जाऊंगी। इब्राहिम शाहिद ने 28 A's लिए थे और 2011 में 17 साल की उम्र में। इब्राहिम 23 A's लिए थे आपने, 23 A's लिए थे 2011 में, एंड योर एज वाज 17। थैंक यू सो मच, आपको यौमे आजादी मुबारक और बहुत शुक्रिया आपने मुझे ज्वाइन किया। तीसरे हमारे जो मेहमान हैं आजकल कनाडा में होते हैं, मैकगिल यूनिवर्सिटी से ये कर रहे हैं इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट में बैचलर्स, आए हैं आजकल छुट्टियों पे। हमारी खुशनसीबी कि हमारी आज इनसे मुलाकात भी होगी है, जुहैब असद, जिन्होंने 28 A's लिए ओ लेवल में 2011 में। अस्सलाम वालेकुम, और आपको भी यौमे आजादी मुबारक। अच्छा जी, और मेरे साथ जो बच्ची है अब सितारा बुरुज अकबर मिल चुके हैं आप इनसे भी, इनको एक क्रेडिट जाता है कि सबसे कम उम्री में इन्होंने ओ लेवल के इम्तहान जो है और आईएलटीएस का एग्जाम जो है पास किया। उम्र उस वक्त इनकी जो है वो सिर्फ 11 साल थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है सितारा? आपको ना पाकिस्तान के परचम में भी एक सितारा है, और वो सितारा जो है वो आपके जैसे बहुत सारे सितारों की नुमाइंदगी करता है जो बहुत सारी जगहों पे चमक रहे हैं, धमक रहे हैं, और उम्मीद की एक टिमटिमाती भी जिसे कहते हैं ना लॉ है हमारे लिए। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, आप सब लोग तशरीफ लाए उसके लिए बहुत शुक्रिया। डिफ्यूज नहीं हुआ बॉम्ब जी सितारा, लेकिन एजुकेशन पे हम सिर्फ अपने टोटल बजट का 2.2% स्पेंड कर रहे हैं, तो इन लोगों का पोटेंशियल सारा जाया ही हो रहा है। बिल्कुल सही। और सिर्फ स्पेंडिंग की बात नहीं, किस तरह स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन इतने सारे आपने स्कूल बना दिए, वहाँ भैंसे आपने बांध दी, 70,000 से ज्यादा स्कूल ऐसे होती थी, वो नेगेटिवली आगे भी सोचा सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे, सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे, सोनी धरती अल्लाह रखे। थैंक यू सो मच, थोड़ा थोड़ा सुनेंगे।
अमीन, मैं आज आपकी मुलाकात जिन मेहमानों से कर रही हूँ इतने लंबे लंबे बीच में ब्रेक्स रहते हैं कि मुझे बार बार आपको बताना पड़ता है। मेरे साथ हैं अली मुइन नवाजिश, उनके साथ इब्राहिम शाहिद, फिर उसके साथ जुहैब असद, सितारा बुरुज अकबर, ये सारे वो बच्चे हैं जो डिस्टिंक्शन होल्डर हैं, जिन्होंने अपने एकेडेमिक करियर में बहुत अच्छे ए लेवल तक जो है इन्होंने लिए हुए हैं दुनिया में पोजिशन और नुमाया मुकाम। सितारा भी कुछ कहना चाह रही हैं, पाकिस्तान में करप्शन का खात्मा कैसे हो सकता है? सितारा, एक्चुअली जब आज 65 ईयर्स हो गए पाकिस्तान को बने हुए, और 65 ईयर्स पहले जब पाकिस्तान बना था तब 60% जो हमारी यूथ है ये मिलकर इकट्ठी हुई थी, और इसमें एक बात जो है कि हम अब पंजाबी हैं, हम सिंधी हैं, हम बलोची हैं, हम पठान हैं, लेकिन उस टाइम सब का एक ही लफ्ज हम शिया हैं, हम सुन्नी हैं, हम इतनी सारी डिविजन्स आ गई कि हर बंदा कोई ना कोई अलग नाम लेता है। जिस तरह कायद आजम जो थे उन्होंने कहा था कि इट इज इफ यू आर अ स्टूडेंट इट इज अ फॉरमोस्ट रिस्पांसिबिलिटी टू स्टडी, कि जो भी आपका प्रोफेशन है आप उसमें बेहतरीन काम करें। बिल्कुल सही। तो अगर आप हर प्रोफेशन में, मतलब अगर आप डॉक्टर हैं तो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, अगर आप इंजीनियर हैं तो आप बहुत अच्छे इंजीनियर हैं, ठीक है। तो इसमें मेरे ख्याल से सिर्फ एक प्रोवर्ब हम कर सकते हैं जो हम सबको अमल करना चाहिए, गो बिग और गो होम। गो बिग और गो होम, क्या बात है, क्या नारा है आज के दिन के लिए। स्लोगन अच्छा है, क्या जरा ऊंचा बोले दोबारा से, गो बैक और गो होम। बिल्कुल सही, जबरदस्त। सो आप भी कुछ कहना चाहते? आई लाइक टू से वन थिंग दैट मोर देन 60 इयर्स अगो अ नेशन वाज लुकिंग फॉर अ पीस ऑफ लैंड एंड नाउ दैट पीस ऑफ लैंड इज लुकिंग फॉर दैट लॉस्ट नेशन। बिल्कुल सही, गुड, ग्रेट, थैंक यू सो मच। आप सब लोग गए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबको यौम आजादी बहुत बहुत मुबारक हो। और क्या ख्याल है, थैंक यू सो मच। और हम क्या ख्याल है, खड़े होकर कौमी तराना पड़े एक दफा? हमने बातें तो बहुत सारी ऐसी की, दिल थोड़ा परेशान परेशान सा होता है ना, तो कौमी तराने से जरा उम्मीद, जरा हौसला बन जाता है, है ना? बिल्कुल, चले जनाबा। अर्ज़े पाकिस्तान मरकज़े यकीन शाहबाद, पाक सरज़मीन का निज़ाम, कुव्वते अकुव्वते अवाम, कौमुल सल्तनत पाइंदा दा ज़िंदाबाद, शाहबाद मंज़िले मुराद, परचमे सितारों मिलान, रहबरे गलतियों कमाल, तर्जुमाने माजी शाने हाल जाने इस्तकबार।